धन्यवाद, बाकी बिरला जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, लगातार तीसरी बार मैं इस विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और हर बरस मानसून में जो हम लोग स्थिति देखने को हमें मिलती है वो हर साल उससे भी ज़्यादा बदतर होती दिखाई देती है। मुख्य तौर पर उसका कारण जो सबसे छोटी एजेंसी है नगर निगम, वो उसकी असफलता को दर्शाता है, उसकी असफलता को, उसके निकम्मेपन को, उसकी चरमराई हुई व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आती है हर साल मानसून के सीजन में। अभी एक साथी विपक्ष के बोल रहे थे कि पूर्ण रूप से इसके लिए पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है, हालांकि डेढ़ दशक से ज्यादा जिस नगर निगम में प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण था, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसका फेलियर, उसका निकम्मापन ये कैसे इस सदन के अंदर जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पूर्ण रूप से दिल्ली की चरमराई हुई व्यवस्था, दिल्ली की निकासी जो पूर्ण रूप से बदहाल है, दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने की जो भाजपा की के नेतृत्व में एमसीडी का कार्यकाल रहा है, तो इनको लगता है कि हम उस संस्था को जिम्मेदार ठहराएं जिस संस्था ने चंद सालों के अंदर मिंटो ब्रज जैसे जल भराव को खत्म करने का काम किया है। उसकी दूसरी तरफ हम देखें या तमाम विधायक बैठे हैं और एक साथी विधायक ने बहुत ही तर्क के साथ, बहुत ही आंकड़ों के साथ बताया है कि 60 फीट से नीचे जितनी सड़कें आती हैं वो नगर निगम के अंतर्गत आती है और उन तमाम सड़कों पर समय रहते हुए ना तो नाली की और नालों की सफाई की जाती है, ना ही उन पर फैले हुए या उन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण को हटाया जाता है, ना ही उनकी कोई सुध ली जाती है। और इसके पीछे जो एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से भागना, अपने निकम्मेपन को दर्शाना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा काम है। अभी पिछले महीने जब माननीय उपराज्यपाल महोदय ने शपथ लेकर दिल्ली में अपना कार्यभार संभाला तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे संवाद किया, उनसे मुलाकात की और मैंने और मेरे साथी विधायकों ने इस बात पर पूर्व जोर ध्यान उनका दिलाने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार अपने आप में ऐतिहासिक काम कर रही है। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनका पूरा मंत्रिमंडल जो जो उनके जिम्मे काम है उन पर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिन रात परिश्रम और मेहनत करते हुए दिल्ली की जनता को सुलभ और एक सुविधाजनक योजनाएं देने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। बजाय आप दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कार्यों को के अंदर हस्तक्षेप करें, इसके बजाय माननीय उपराज्यपाल महोदय जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप एमसीडी की चरमराई हुई व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें, आप ध्यान दें इस बात के ऊपर कि मानसून आने वाला है और मानसून आने से पहले, बरसात आने से पहले आप इस बात को सुनिश्चित करें कि दिल्ली की हर एक नाली, हर एक नाला जो एमसीडी के अंतर्गत आता है वो समय रहते हुए साफ हो जाएगा, हर एक वो पेड़, हर एक वो टहनी जो खतरनाक स्थिति परिस्थिति में है और तेज आंधी तूफान में कभी भी गिरकर किसी भी गाड़ी को, किसी भी वाहन को, किसी भी नागरिक को क्षति पहुंचा सकती है, अपने ध्यान को लेकर जाए। लेकिन माननीय उपराज्यपाल महोदय को तो राजनीति करनी है, उनको तो दिल्ली सरकार के कामों के अंदर हस्तक्षेप करना है, उनको तो मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की फाइल को रोकने के काम के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ जरिया बनाकर भेजा गया है। तो मैं यहाँ विपक्ष के साथियों से इतना कहना चाहती हूँ कि डेढ़ दशकों तक आपने जिस नगर निगम की सरकार को चलाकर बदहाल,
बदतर और बहुत जर्जर व्यवस्था के अंदर छोड़ दिया है, वही आज खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है कि महज आधे घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है और स्थिति ये होती है कि हमें अपने राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग, फ्लड विभाग या अन्य डिपार्टमेंटों से हाथ जोड़कर निवेदन कर मानवता के आधार पर वहां पर पानी की निकासी के जी आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। चूंकि इस वक्त दिल्ली देश की राजधानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के डर की वजह से माहौल ऐसा है कि इन्होंने चुनाव कराया नहीं और ये सिविक एजेंसियां जब अस्तित्व में थी तब भी काम नहीं कर रही थी और आज अस्तित्व में नहीं है तो काम करने की हम क्या ही उम्मीद करेंगे। तो आज आपकी चेयर से इस बात का निर्णय और इस बात का यहाँ से फैसला होना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से जितने भी जिम्मेदार अधिकारी पूरी एमसीडी को एक करने के बाद लगाए गए थे उन तक ये संदेशा पहुंचे कि जहां जहां एमसीडी के अंतर्गत आने वाली सड़कें हैं, नालियां हैं या ऐसा कोई भी स्थान है जहां पर जल जमाव, जल भराव होता है, उस पर एमसीडी के अंतर्गत जो भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए एक जिम्मेदारी को तय किया जाए और अगर समयबद्ध तरीके से उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।